फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक नई व्लॉग में, जिसमें आज हम आपको लेकर आए हैं उदयपुर की अमरई घाट। वैसे तो दोस्तों उदयपुर में काफ़ी घाट हैं, जिनमें से गणगौर घाट और अमरई घाट काफ़ी लोकप्रिय हैं। दोस्तों गणगौर घाट का हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, दोस्तों आप ऊपर आई बटन में जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग और आपको दिखाते हैं अमरई घाट के शानदार नज़ारे। मांझीराज का घाट, दोस्तों इसे ही अमरई घाट और हनुमान घाट के नाम से भी जाना जाता है। मांझी का मंदिर इसके अंदर आपको देखने को दोस्तों मिलेगा, तो चलते हैं अंदर की ओर आपको लेके। यहाँ पे दोस्तों आप 10 रुपीज पे करके यहाँ पे 30 मिनट्स का स्टे आप कर सकते हैं। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड जिसपे आपके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, जिनको आपको फॉलो करना होता है। काफ़ी सुंदर दोस्तों ये जगह है, आपको आगे से दिखाते हैं। जो ये पानी है दोस्तों, ये पिचोला झील का ही पानी है। पिचोला झील दोस्तों यहाँ पे उदयपुर में काफ़ी बड़ी है और हर जगह फैली हुई है। दोस्तों आप सामने आप ये लेफ्ट साइड में जो होटल देख रहे हैं, इसे आपने दोस्तों इंग्लिश मीडियम फिल्म में देखा होगा। इंग्लिश मीडियम की काफ़ी शूटिंग्स उदयपुर शहर की ही है दोस्तों। काफ़ी लंबी ये पिचोला झील का पानी है, जो दूर दूर तक फैला हुआ है। और दोस्तों अमरई घाट एक सुखद अनुभव का एक प्रवेश द्वार है, जो उदयपुर शहर के ओल्ड सिटी कहे जाने वाले क्षेत्र की पुरानी सड़कों से गुजरता है। दोस्तों ये जो आप ये बाउंड्रीज देख रहे हैं दोस्तों, नगर परिषद ने यहाँ पे संगमरमर के कार्य और इस तरह की बैठने की चेयर्स यहाँ पे लगा दी गई हैं दोस्तों। अब ये सामने जो अंदर की ओर पानी के अंदर ये जगह बनी हुई है दोस्तों, ये प्री वेडिंग शूटिंग के लिए रिजर्व है दोस्तों। यहाँ पे आम पब्लिक का जाना मना है, लेकिन कुछ लोग यहाँ के अंदर फोटोशूट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों वॉल की पेंटिंग्स काफी शानदार है, काफी बड़ी ये पेंटिंग है। आगे आपको दिखाते हैं शंकर भगवान का एक ये पेंटिंग। दोस्तों जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पे भीड़ काफी बढ़ती जाती है। यहाँ पे आपको दोस्तों ये जो पिचोला झील है, यहाँ का 270 डिग्री का व्यू आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे लोकार्पण कब किया गया था उसका ये बोर्ड लगाया हुआ है दोस्तों। तो आगे आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे एक मंदिर ये है। ये वॉल की पेंटिंग काफी शानदार दोस्तों दिखने में लग रही है। बहुत ही सुंदर दोस्तों इनको पेंटिंग से बना दिया गया है ये जगह दोस्तों। इसे एक्शन उदयपुर के अंतर्गत डेवलप किया गया था, इसके बाद यहाँ पे काफी संख्या में लोग आने लगे हैं। सूर्यास्त के समय काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है और इस तरह की पेंटिंग से ये जगह और भी सुंदर लगने लगी है। आगे आपको दिखाते हैं पानी के नज़ारे। यहाँ से दोस्तों आप गणगौर घाट, सिटी पैलेस, लेक पैलेस, होटल लीला सामने देखी यहाँ पे से जा सकती हैं। ऊपर वो पहाड़ों पे करणी माता का मंदिर है दोस्तों, और ये बीच में दोस्तों लेक पैलेस होटल है, जहां से आपको बोट के जरिए जाना होता है। बहुत ही शानदार नजारा दोस्तों ये देखने में लग रहा है। यहाँ पे पास से आप देख सकते हैं इस तरह बोटिंग होती हुई, सूरज की किरणों से ये पानी कितना जगमगाता है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों शंकर जी का एक मंदिर है। यहाँ पे दोस्तों देखो मांझी के मंदिर तक जाने के लिए पैरों के एक चिन्ह से रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ पे आगे जाके आपको मांझी का मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा।
ये उसी तरह की दोस्तों वॉल पे पेंटिंग्स काफ़ी सुंदर लगती हैं। पेंटिंग से दोस्तों यहाँ का नज़ारा बेहद सुंदर बना दिया गया है। ये है दोस्तों माँ जी का मंदिर, जो चार भुजा का मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है। अभी दोस्तों ये मंदिर जो है ये बंद है, इसके खुलने का समय यहाँ पे दिया हुआ है जो 5 से 7 के बीच में खुलता है। अभी आप शंकर भगवान की बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग देख सकते हैं वॉल पे। बहुत ही बड़ी दोस्तों ये पेंटिंग है और काफ़ी सुंदर लग रही है। ये पूरा एक घाट का नज़ारा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ इस मां जी के घाट का नज़ारा। तो हम मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बाय बाय।